खड़ा तो आप करना चाहो, खड़ा अगर आप करना चाहो ऑब्वियसली बात है खड़ा करना चाहोगे। तो भाइयों बहनों आप आ गए हैं आज माता के दरबार पे। और भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो भाई ज़ेब्रोनिक्स ने आज कल मोटो दे रखा है अपने होम को बनाओ होम थिएटर, और उसके लिए भाई वो अलग अलग प्रोडक्ट जो है मज़ेदार से प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करे जा रहा है। सो भाई आज अपने पास है यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पीकर, ओ भाई बहुत भारी है भाई, ये लिटरली ऑलमोस्ट 10 किलो के आसपास का ये यहाँ पे डीजे स्पीकर है, एंड ये होने वाला है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। ओके गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो जैसे मैंने आपको बोला इट्स अ वेरी ह्यूमंगस स्पीकर, और यहाँ पे आपको 13.33 सेंटीमीटर्स के आपके दो स्पीकर्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 5.5 इंची के आसपास का आपको एक स्पीकर मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे दो ट्वीटर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पकड़ने के लिए हमारे पास दोनों तरफ से हैंडल है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से अगर आप पकड़ना चाहें तो आप स्पीकर को पकड़ सकते हैं। इस तरफ और इस तरफ आपको यहाँ पे इस तरीके का दिख जाएगा, तो अगर आप स्पीकर को कुछ इस तरीके से रखना चाहते हैं टेबल के ऊपर या कहीं जमीन के ऊपर, तो वो भी आप इसको रख सकते हैं, जिससे आपका स्पीकर जो है वो खराब नहीं होगा। नहीं तो भाई खड़ा तो आप करना चाहो, खड़ा अगर आप करना चाहो ऑब्वियसली बात है खड़ा करना चाहोगे तो आप खड़ा कर सकते हो इसको। बाकी अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी बिल्ड के अंदर है, फ्रंट पे आपको जाली दे रखी है, साइड पे जो पॉलीकार्बोनेट की फिनिश है यहाँ पे अच्छा प्लास्टिक इस्तेमाल करा गया, उसकी फिनिश काफी बढ़िया यहाँ पे दी गई है, एंड जो इस स्पीकर की लुक को बहुत ज्यादा बढ़िया बना देती है। मतलब भाई ये इतना बड़ा है ना, मैं आप लोगों को किससे बात करते करते कैसे बताऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्पीकर इज कि इसमें आपको मिल जाता है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। तो इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से शायद, या इस प्राइस रेंज में या शायद इंडिया में है कि नहीं है, चेकआउट करो यार, चेकआउट करके मेरे को जरूर बताना क्या इंडिया में ऐसे पोर्टेबल स्पीकर जो डीजे स्पीकर आते हैं उसके अंदर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है। क्या ये हमारा ज़ेब्रोनिक्स पहला ऐसा स्पीकर है जिसके अंदर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। सो इसके अंदर हमें मिल रहा है डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट। सो बेसिकली डॉल्बी ऑडियो होता क्या है, डॉल्बी ऑडियो ये होता है कि आपकी जो नॉर्मल ऑडियो जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे या आप ऑक्सिलरी से कनेक्ट करेंगे उससे हायर आपको वॉल्यूम जो है वो मिल जाती है एंड क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाती है, बट उसके लिए आपको HDMI R का इस्तेमाल करना पड़ता है या आपको ऑप्टिकल केबल जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। सो बेसिकली ये तो आउटपुट आपको क्यों चाहिए, क्योंकि भाई जब आप डॉल्बी ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमें जो इनपुट है पावर की वो ज्यादा चाहिए, एंड सिर्फ और सिर्फ ये दो ऑडियो इनपुट जो है यही आपको प्रॉपरली पावर है डॉल्बी ऑडियो चलाने के लिए वो आपको दे पाती है। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे लाइट को चेंज करने के लिए एक रोटेटिंग डायल जो है वो दे रखा है, जिससे आप अपनी लाइट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे TWS का ऑप्शन मिल जाता है, हमें यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, हमें यहाँ पे अलग अलग मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस हमें यहाँ पे बीच में बैटरी इंडिकेटर जो है उसको दिया गया है, एंड आपका प्ले पॉज का बटन एंड प्रीवियस एंड आपका फॉरवर्ड का जो बटन है वो यहाँ पे दिया गया है, प्लस हमें यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर जो है उसका भी एक जो रोटेटिंग डायल है वो यहाँ पे दिया गया। पीछे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पावर इनपुट के लिए जो केबल लगेगी उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो जिससे आप अपना जो स्पीकर है उसको इजीली चार्ज कर सकते हैं, एंड चाहे आप ब्लूटूथ से चलाना चाहो आप ब्लूटूथ से चला लो, या आप डायरेक्टली इसको प्लग एंड प्ले करके चलाना चाहो तो भाई प्लग एंड प्ले करके चलाना चाहो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि यार इसमें TWS का भी ऑप्शन है, तो अगर आप दो ऐसे स्पीकर ले लेते हो भाई बड़े बड़े से, एक स्पीकर रखो लेफ्ट में एक स्पीकर रखो राइट में, और भाई फिर करो पार्टी का मजा, क्योंकि TWS में क्या है वो फिर दोनों स्पीकर एक साथ कंबाइंड होके आपको जो मजा है पार्टी का वो यहाँ पे देने वाले हैं, जो म्यूजिक का मजा है वो यहाँ पे देने वाले हैं। पीछे की तरफ अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माइक इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको माइक एंड गिटार का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस उसके लिए आपको वॉल्यूम ऊपर नीचे का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको माइक गिटार के साथ दोनों में से कौन सी पर्टिकुलर चीज इस्तेमाल करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑक्सिलरी इन ऑक्सिलरी आउट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्टिकल का पोर्ट मिल जाता है, HDMI आर्क का पोर्ट मिल जाता है, USB का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे सी पोर्ट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। साथ में कभी आपका सपोज TWS नहीं बैठ रहा है एक साथ या कुछ है, आपको रीसेट करना है तो इसमें यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ओके गाइस इसको फटाफट से करते हैं चालू और देखते हैं भाई चालू कैसे करना है। सो चालू के लिए अपने पास यहाँ पे ऊपर पावर ऑन ऑफ का बटन, इसको अपने थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, एंड उसके बाद एक प्यारी सी साउंड आएगी और वो आपको बता देगा कि आपको ऑन हो गया, और वो कनेक्शन का जो ऑप्शन है वो भी आपको बता देगा। सो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, लाइक आप HDMI आर्क पे जाना चाहते हो, आप ऑक्सिलरी में जाना चाहते हो,
आप इस पे ब्लूटूथ पे जाना चाहते हो या आप ऑप्टिकल पे जाना चाहते हो, तो उसमें अलग अलग कलर्स जो हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के साथ आपका जो स्पीकर है वो यहाँ पे अटैच्ड है। आरजीबी के लिए अपने पास यहाँ पे ऊपर बटन दे रखा है, इसको आपने प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे हमारी जो आरजीबीज हैं वो चेंज होंगे एंड अलग अलग तरीके के आरजीबी के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस तरीके का चाहिए, म्यूजिक के हिसाब से भी ये आरजीबी जो हैं वो चेंज होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लगता है, जो कि आप आगे वीडियो में चेकआउट करोगे। बाकी आरजीबी कैसी लग रही है यार वो बता। एक सेकेंड यार, इसमें एक और फीचर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं, तो एक बारी फटाफट पहले उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके सर, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें माइक का ऑप्शन है, तो भाई साहब हमें यहाँ पे दे रखा है एक माइक एंड उसके लिए एक हमें दे रखा है यहाँ पे रिसीवर, जो कि आपका कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसा सा रिसीवर है आपका एंड यहाँ पे आपका अंदर सेल डलता है जो कि हमें साथ में मिलता है एंड इट्स अ रिचार्जेबल सेल, और इसको हम पीछे पोर्ट में डाल देंगे सीधा ऐसे। प्लस हमारे पास वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन है यहाँ पे एंड हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो माइक है वो दिया गया है, जिसको आपने थोड़ी देर प्रेस करना है एंड उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे चालू हो जाता है। ओके सो अभी आप जो आवाज़ यहाँ पे सुन रहे हैं वो आ रही है हमारे इसी स्पीकर से और हम यहाँ पे जो इसका माइक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर आपका कोई भी कैरियोके वगैरह का घर में सीन है, पार्टी वगैरह चल रही है और आप कैरियोके नाइट करने जाते हो, इट्स द टाइम टू डिस्को तो आप भाई कैरियोके वगैरह भी जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस हमारे को यहाँ पे एक रिमोट दे रखा है जिससे आप पूरा इक्वलाइजर सेट कर सकते हैं, ट्रिपल सेट कर सकते हैं, आप एको का मोड जो है उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो जैसे अभी आवाज जो है वो अभी एको नहीं हो रही है, तो आप एक बार यहाँ पे चेक करिए, तो मैं इसका एको बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊपर बार जो है वो भी चेंज हो रहा होगा, आप देखोगे वाइट वाइट करके बढ़ रहा होगा बार एंड हमारी जो आवाज है, जय माता दी सारे भक्तों को, जय माता दी। आवाज चेक कर रहे हो भाई कितनी ज्यादा इको कर रही है, तो कुछ ऐसी आवाज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके सब बात कर लेते हैं म्यूजिक एक्सपीरियंस की, क्योंकि उसी के लिए आप एक्चुअल में जो स्पीकर है वो खरीदने वाले हो। सो अभी हमने इसको डायरेक्टली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो ब्लूटूथ के साथ आपको एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। ओके सो आपने अभी जो ये आवाज़ सुनी ये इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम थी एंड अलग अलग गाने मैंने आपको यहाँ पे सुनाए। अगर मैं यहाँ पे आपको वीडियो आउटपुट भी सुनाऊँ कि ऑडियो में आपको किस तरीके से आउटपुट मिलता है, तो वो भी मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। जिसमें आप जो कि आता है आपका स्कल कैंडी की तरफ से, जो कि CNC एंड ये होने वाले हैं आपके बहुत ही अमेजिंग से TWS। सो स्कल कैंडी का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस, बढ़िया साउंड क्वालिटी और तो भाई कुछ इस तरीके का आपको वोकल एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है एंड ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे जो है हमारा चल रहा है। प्लस आपने आरजीबी वगैरह देखा, गाने बज रहे थे तो इधर आरजीबी का मोड अलग अलग चल रहा था, तो गाने के हिसाब से जो आरजीबी है वो नाची थी। प्लस आपने देखा यहाँ पे दो लाइट्स हैं वो भी किसी तरीके से ब्लिंक कर रही थी बढ़िया तरीके से। ओके जैसे हम यहाँ पे ट्रिपल का ऑप्शन सेट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे लाइट सेंटर में है, तो अगर लाइट सेंटर में है दैट मीन्स आपके दोनों ट्विटर्स जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे माइनस करते हो तो ये मतलब आपके लेफ्ट साइड के ट्विटर पर चला जाता है, अगर आप इसको प्लस करते हो तो ये आपके राइट साइड वाले ट्विटर्स पे जो है वहां चला जाता है। बट हमें प्रॉपर साउंड के लिए जो है इसको सेंटर में रखना है, ताकि आपके ये जो दोनों ट्विटर्स हैं ये बढ़िया तरीके से काम करें। प्लस हमें यहाँ पे जो बेस का ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है, तो बेस के लिए अगर आप चेकआउट करोगे तो जैसे मैं एक बारी बेस जो है उसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट जल रही है, अगर मैं दो बारी प्रेस करता हूँ तो ये पूरी लाइट जलती है। पूरी लाइट का मतलब है कि आपका सिंगल बेस डबल बेस का ऑप्शन है, देन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये एकदम लाइट जो है वो बंद हो जाती है, दैट मीन्स बेस जो है वो काफी हद तक यहाँ पे खत्म हो गई है। अब सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन भाई लोगों का ये आएगा कि भैया यार स्पीकर हमें बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, फीचर्स हमें बहुत ज्यादा बढ़िया लगे, इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि काफी ह्यूमंगस स्पीकर है, काफी लाउड स्पीकर है, तो भाई बैटरी तो ये बहुत पीता होगा और बहुत देर लगती होगी इसको चार्ज होने के अंदर। तो नहीं, ये ऑलमोस्ट आपका 1.5 घंटे के अंदर जो है वो पूरा स्पीकर चार्ज हो जाता है एंड ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटे का बैटरी लाइफ जो है, डिपेंडिंग अपॉन किस वॉल्यूम पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस TWS वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लेके चलिए कि 5 to 6 hours का आपको बैटरी लाइफ जो है वो यहाँ पे इस स्पीकर का देखने को मिल जाता है। बाकी मेन चीज अब आती है मेन मुद्दे की बात कि भाई प्राइसिंग क्या होने वाली है इसकी, तो अराउंड 15,000 रुपए के आसपास जो है आपको यहाँ पे ये अमेजिंग सा पार्टी स्पीकर जो है ये मिलने वाला है। काफी ह्यूमंगस पार्टी स्पीकर है, ब्लूटूथ का सपोर्ट है, आपका वायरलेस चल जाता है, कहीं पे भी चला के चलाओ, पार्टी वार्टी करो, चाहे पहाड़ों पे जाओ, जहां मर्जी जाओ, साथ लेके जाओ एंड भाई दिस इज रियली ह्यूज एंड रियली हेवी, बहुत ज्यादा हेवी है।
सो 15,000 रुपए के हिसाब से व्हाट यू गाइस थिंक यार आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन खुला कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव मजेदार कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।